Good morning, children. How are you all? Welcome back to English class, children. Okay, up till now we were revising of grammar. From today onwards, as you all know, this is our revision video. We have started revising. Up till now, I was revising grammar, but most of the students want the revision of reader first. So we will revise today lesson 1 and rhyme. Okay. So our lesson 1 is why evergreen trees never lose their leaves. Lesson 1 jo hai hamara, why evergreen trees and write dear friend. Okay, children. So now let's start. Evergreen trees मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते. यू ऑल नो आफ्टर विंटर ऑटम सीजन कम्स. यस, व्हाट इज ऑटम? ऑटम मीन्स पतझड़, जब पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, राइट? एंड देन स्प्रिंग कम्स, न्यू फ्लावर्स लीव्स कम्स. ओके, सो व्हाई एवरग्रीन ट्रीज नेवर लूज देयर लीव्स. क्यों हमेशा हरे भरे जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते क्यों नहीं खोते? Children, this story is mainly about that we should help others. If we will help others, definitely God will definitely help us. Okay, children. So now let's winter was coming and all the birds were flying to a warmer place. Winter was coming and all the birds were going for a warmer place. So a place where there is not any winter, or which is okay, children. Now in winters many birds come to a warmer place. Why? Because there in winters in many of the places snowfall is there. So there is no place to live on trees because of snow, no food to eat. So birds every year birds flew to a warmer place. Warmer means थोड़ी सी गर्म प्लेस, वहां से गर्म. कंपेयर कर रहे हैं कि वहां से गर्म. हरी अप, विंटर इज ऑलमोस्ट हेयर, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो. ऐसा जो फादर बर्ड है वो मदर बर्ड और अपने बच्चों से कह रहा है. ही इज सेइंग दैट विंटर इज कमिंग, इट इज ऑलमोस्ट देयर. मतलब आ गई, समझ लो सर्दियां स्टार्ट हो गई और हमें बहुत लंबा उड़ना है. सो वी शुड गो, बहुत लंबा जाना है हमें. इज एवरी वन रेडी, लेट्स गो. देन मदर बर्ड इज आस्किंग, मम्मी बर्ड है वो आप पूछ रही है क्या सब रेडी है, तो हमें चलना चाहिए. देन द चिल्ड्रन आर सेइंग, दे हैव टू चिल्ड्रन, वी आर रेडी, लेट्स गो साउथ. हम बिल्कुल तैयार है, चलो हमें साउथ में चलना चाहिए. एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, इन साउथ इंडिया विंटर इज नॉट देयर. वहां विंटर पड़ती नहीं है चिल्ड्रन, सर्दी पड़ती नहीं है. यू ऑल नो कंपेयर टू आर नॉर्थ इंडिया, राइट? वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन हिज विंग एंड कुड नॉट कीप अप विद द अदर्स, ही ले अलोन इन अ कोल्ड फॉरेस्ट. नाउ व्हाट हैपन्ड, फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फोर वन लिटिल बर्ड, टू चिल्ड्रन दे हैव, फ्रॉम टू चिल्ड्रन वन लिटिल वन बर्ड हैज ब्रोकन इट्स वन विंग, उसका एक पंख टूट गया था. अब बिकॉज ऑफ डेट ब्रोकन विंग डेट स्मॉल बर्ड कुंड फ्लाई, अब वो उड़ नहीं सकता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ वहां नहीं जा सका और वो बेचारा अकेला उस जंगल में वहीं रह गया. ओ नो दे हैव लेफ्ट मी बिहाइंड, और वो कह रहे ओ नो अब वो सब मुझे छोड़कर चले गए. वट शेल आई डू, मे बी आई कैन आस्क द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट टू हेल्प मी. नो, अब मैं क्या करूं,
I can now only ask from the trees of the forest to help me. He said to himself that now I am helpless. I can't help myself. Now I can do one thing. I can ask for help from the trees of the forest. Now the little bird said that कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो है मैं अब अकेला रह गया, वो सब मुझे छोड़ के चलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बेसहारा हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं जो है वो जंगल के पेड़ों से हेल्प लू। द लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू अप्रोच द बर्च ट्री। सो फर्स्ट ही वेंट टू बर्च ट्री। सबसे पहले हेल्प मांगने किसके पास गया? बर्च ट्री। ब्यूटिफुल बर्च ट्री, माई विंग इज ब्रोकन एंड माई फैमिली हैज फ्लोन अवे। मे बी आई लिव अमोंग योर ब्रांचेस टिल दे कम बैक फॉर मी। नाउ ही इज आस्किंग दैट ब्यूटिफुल बर्च ट्री, तुम तो बहुत सुंदर हो एंड माई विंग इज ब्रोकन, मेरा जो पंख है वो टूटा हुआ है और मेरी फैमिली जो है मुझे छोड़कर चली गई है, उड़ गई है। मे बी आई लिव अमोंग योर ब्रांचेस टिल दे कम बैक फॉर मी। क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर रह सकता हूँ जब तक कि वो मेरे लिए वापस नहीं आ जाते या मुझे लेने वापस नहीं आ जाते। वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर ओन बर्ड्स टू हेल्प, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। नाउ द बर्ड्स ट्री रिफ्यूज टू हेल्प द लिटिल बर्ड। अब उसने साफ मना कर दिया। ही सेड दैट मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे बर्ड्स हैं, हमारे अपने ही कुछ बर्ड्स हैं जो हमेशा हमारे पेड़ों पर रहते हैं, मैं तुम्हें अपने अपने पर रहने नहीं दे सकता। Why? Because he has already he gave the excuse that he already birds living on him। उसके पास पहले से ही birds हैं जो उसके ऊपर रहते हैं, तो उसने उसको साफ मना कर दिया। The little bird was upset। Now he became upset। Children, obvious ही बात है कि वो दुखी तो होना ही था। Upset means दुखी हो गया। Perhaps the birch isn't strong enough. I will ask the oak. He will be stronger. अब कह रहा है शायद मैंने गलत से पूछ लिया, वो शायद इतना मजबूत नहीं है जो इतने बर्ड्स को अपने ऊपर रख सके। मैंने गलत से पूछा, मैं अब ओक ट्री से पूछूंगा, वो मुझे उससे ज्यादा स्ट्रांग लगता है। Now see children, they have used, he will be stronger। हम अपना ग्रामर भी थोड़ा बहुत इसके साथ रिवाइज कर लेते हैं, आपकी दोनों चीज रिवाइज हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन यूज किया है एंड दे हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर। व्हाई? बिकॉज ही इज कंपेयरिंग बिटवीन टू ट्रीज, केवल दो ट्रीज में कंपेयर कर रहा है। नाउ ही इज नॉट कंपेयरिंग इट विद द रेस्ट ऑफ द ट्रीज ऑफ द जंगल फॉरेस्ट, नो, ही इज कंपेयरिंग ओनली बिटवीन टू ट्रीज। नाउ ये जो है केवल दो पेड़ों में कंपेयर कर रहा है, ये बर्च ट्री को बाकी सब इन द फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं उन सबसे कंपेयर नहीं कर रहा। ही इज कंपेयरिंग विद ओनली वन मोर ट्री, डेट इज ओक, बिटवीन टू ट्रीज। दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री से यूज कर रहे हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर। आई विल आस्क द ओक, ही विल बी स्ट्रॉन्गर, मैं ओक से पूछता हूँ वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ही देन स्पोक टू द ओक ट्री एंड देन ही स्पोक टू द ओक ट्री। ओ ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रांग, विल यू लेट मी लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल माई फैमिली कम बैक इन स्प्रिंग। अब वो कह रहे हैं, हे महान ओक ट्री, आप तो इतने बड़े हो, विशाल हो, आप इतने मजबूत हो, यू आर सो स्ट्रांग, सो विल यू लेट मी लिव ऑन योर ब्रांचेस, तो क्या आप मेरे को अपनी टहनियों पर ब्रांचेस पर रहने दे सकते कि जब तक कि बसंत स्प्रिंग सीजन, जब चिल्ड्रन जो है ना तो गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है, बहुत अच्छा प्रेजेंट मौसम होता है और पेड़ों पर नए पत्ते आए होते हैं, फूल आए होते हैं, तो कहते हैं जब तक वो स्प्रिंग सीजन नहीं आ जाता, मेरी फैमिली स्प्रिंग में वापस आएगी जब सर्दियां खत्म हो जाती है, तो जब वो स्प्रिंग सीजन आएगा, जब मेरी फैमिली आएगी, तब तक क्या आप मुझे अपने पेड़ पर टहनियों पर रहने दे सकते हैं? दैट्स अ लॉन्ग टाइम लिटिल बर्ड, Who knows what will you get up that in that time? You will probably eat up all my acorns.
ये कह रहे हैं ये तो बहुत लंबा टाइम है, अब अगर इतना टाइम है तुम्हें रहने देऊंगा मेरे ऊपर तो पता नहीं तुम क्या करोगे, तुम तो मेरे सारे अकाउंट्स खा लोगे। अब अकाउंट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन फ्रूट्स होते हैं एक टाइप के जो ओक ट्री के ऊपर लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम मेरे सारे फ्रूट्स खा लोगे, जो उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं उनका नाम है अकाउंट्स, जैसे एप्पल होते हैं, बनाना होता है, ग्रेप्स होते हैं, वैसे उसके ऊपर जो फ्रूट लगते हैं उनका नाम है अकाउंट्स। तो कह रहे अगर मैं तुम्हें रहने दिया तो बहुत लंबा समय है, पता नहीं तुम तब तक क्या क्या करोगे, तुम्हें क्या खाने को मिलेगा, तो तुम तो मेरे सारे फ्रूट्स खा लोगे। द लिटिल बर्ड वॉज पजल्ड, अभी बेचारा और कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, दुखी भी हो गया। वट शुड ही डू नाउ, नाउ अब चिल्ड्रन ही इज अलोन, ही इज अ स्मॉल बर्ड, छोटा सा बच्चा है वो अकेला रह गया, नोबडी इज रेडी टू हेल्प हिम, अब उसको कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, सो नाउ ही इज वेरी सैड। ही देन वेंट टू द विलो ट्री, वो ड्र्यू हरसेल्फ अप प्राउडली टू फेस द बर्ड, और अब वो जो थर्ड ट्री के पास गया एंड इट्स विलो ट्री, वो विलो ट्री के पास गया, पहले किसके पास गया चिल्ड्रन, बर्ड ट्री, सेकेंड ओक ट्री एंड थर्ड विलो ट्री। अब विलो ट्री ने उस बर्ड को देख के वो और थोड़ा सा ऊंचा हो गया, विशाल हो गया, एंड उसको बहुत ही घमंड आ गया कि छोटा सा बर्ड है वो तो उसका आगे की इतना बड़ा पेड़ है। जेंटल विलो, माई विंग इज ब्रोकन एंड आई कुडंट फ्लाई साउथ विद माई फैमिली, मे आई लिव इन योर ब्रांचेस टू कीप वार्म फ्रॉम द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड मतलब नॉर्थ में चिल्ड्रन, आपको भी पता है जो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे बर्फ पड़ती है, क्योंकि वो नॉर्थ में, साउथ में आपको भी पता है बर्फ नहीं पड़ती। अब नॉर्थ में ऊपर से जो हवा, ठंडी हवा आती है वो इतनी ठंडी होती है कि वहां पे जो पानी वो जम जाता है, बर्फ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि तुम तो बहुत प्यारे हो, जेंटल हो, जेंटल मीन्स प्यारे हो, सीधे हो, प्यारे हो, सीधे हो, तो क्या तुम मेरे को, मेरा जो है एक पंख टूट गया है एंड माई फैमिली हैज गॉन साउथ, और मेरी फैमिली जो है साउथ में चली गई है मुझे यहाँ पर छोड़ के, और मैं उनके साथ नहीं जा सका क्योंकि मेरा पंख टूट गया है, तो क्या तुम मुझे अपनी टहनियों पर रहने दे सकते हो जो मुझे उस ठंडी बर्फीली हवाओं से बचा सके, क्योंकि तुम्हें पत्तों पर रहने पर मुझे थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी और मैं उस ठंडी बर्फीली हवाओं से बच जाऊंगा। डू आई नो यू, वी विलोज नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लीव मी अलोन, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, विलो ने सिंपल इतना कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं अजनबियों से, हम जो विलोज है वो हम अजनबियों से बात नहीं करते, मुझे अकेला छोड़ दो। द बर्ड वॉज ट्रूली हॉट ब्रोकन, अब वो बेचारा उसको बिल्कुल दिल टूट गया, भाई छोटा सा बच्चा है वो चिल्ड्रन, उसका पंख वैसे टूटा हुआ है, सर्दी वैसे आ रही है, घबराया बेचारा वैसे हुआ है, और वो तीनों तीन अच्छे अच्छे बड़े पेड़ों से हेल्प मांगने गया और तीनों ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। कोल्ड एंड लोनली ही बिगैन टू फ्लाई अवे एज फास्ट एज ही कुड, लोनली मीन्स अकेला। चलिए दीज वर्ड्स आप बुक में अपने लेसन में अंडरलाइन करके और इनकी हिंदी भी लिख सकते हैं, सो डेट यू विल बी एबल टू नो इट्स मीनिंग्स, जब भी आप लेसन रीड कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है, और वैसे बाद में भी जब आप रीड करेंगे सो यू विल बी एबल टू नो इट्स मीनिंग। ही बिगैन टू फ्लाई अवे एज फास्ट एज ही कुड, नाउ ही इज ट्राइंग टू फ्लाई सो डेट ही कुड रीच हिज फैमिली साउथ जा सके, वो उसने कोशिश करी एंड ही ट्राई टू फ्लाई एज फास्ट एज ही कुड जितनी जल्दी हो सके। नो वन वॉन्ट्स मी, माई विंग इज ब्रोकन एंड आई हैव नो वेयर टू गो, नाउ ही सेइंग ओ अब मुझे कोई नहीं चाहता, और क्यों, क्योंकि मेरा जो पंख है टूट गया है और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है
जाने की. वाई? बिकॉज अब विंग उसका टूट गया है, कोई उसको अपने पेड़ उसको अपने ऊपर रहने नहीं दे रहा. वो कह रहा है मैं बेचारा कहाँ जाऊं, कोई मुझे नहीं चाहता. वेयर आर यू गोइंग लिटिल बर्ड? अब एक उसको आवाज सुनाई थी, एक पेड़ ने कहा छोटे से पक्षी तुम कहाँ जा रहे हो? माई ब्रांचेस नाउ ही सेइंग माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी थिक. ये इसने पहले यहीं पर है चिल्ड्रन. वेयर आर यू गोइंग लिटिल बर्ड? अब उस लिटिल बर्ड ने इधर देखा, उस एक पेड़ से उसको एक आवाज आई कि हे छोटे पक्षी तुम कहाँ जा रहे हो? द लिटिल बर्ड लुक अराउंड, इट वॉज अ स्प्रूस ट्री टॉकिंग. अब उसने इधर उधर देखा कि ये मुझसे किसने कहा, तो उसने देखा एक स्प्रूस ट्री है. जैसे तीन टाइप के पेड़ों के पास गई, पहले बर्च, ओक एंड विलो. अब फोर्थ पेड़ है एक टाइप का, इट्स कॉल्ड स्प्रूस. यू ऑल नो चिल्ड्रन कितने टाइप के पेड़ होते हैं, बैन एंड मैंगो है, नीम है. तो ऐसे ही भी दीज आर ऑल्सो ट्रीज, टाइप्स ऑफ ट्रीज. तो वहां से स्प्रूस ट्री उससे बात कर रहा था. आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, द ट्रीज हैव टर्न मी अवे एंड आई एम कोल्ड एंड हंग्री. अब वो कह रहा है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिन भी ट्रीज से पेड़ों से हेल्प मांगी सबने मुझे मना कर दिया, दे ऑल हैव रिफ्यूज्ड मी एंड नाउ आई एम हंग्री एंड और मुझे ठंड भी लग रही है और मैं भूखा भी हूं. हैव दे? वेल यू कैन लिव ऑन माई वार्म ब्रांचेस ऑल विंटर इफ यू वॉन्ट टू. करे क्या सच में उन्होंने तुम्हें मना कर दिया? तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरी गर्म ब्रांचेस पे पूरी सर्दी आराम से रह सकते हो अगर तुम चाहो तो. इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टहनियों पर, जो गर्म टहनियां है, तो तुम उन पर पूरी सर्दी आराम से रह सकते हो. द लिटिल बर्ड वॉज रिलीव. रिलीव मतलब राहत की सांस. अब उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई. रिलीव मीन्स तसल्ली हुई. द पाइन एंड द जूनिपर ट्रीज ज्वाइन द स्प्रूस ट्री टू हेल्प द लिटिल बर्ड. और उसकी हेल्प करने के लिए जो स्प्रूस ट्री ने उसकी हेल्प करती, उसको बाकी अदर टू ट्रीज ने भी ज्वाइन कर लिया उसको लिटिल बर्ड की हेल्प करने में. और वो बाकी दो ट्रीज कौन थे? पाइन एंड जूनिपर. पाइन और जूनिपर ने भी उसकी हेल्प करने को वो भी तैयार हो गए. नाउ My branches are not very thick, but I am big and strong, and I can protect you from north wind. अब वो कह रहा है कि मेरी जो टहनियां है इतनी मजबूत नहीं है, इतनी मोटी नहीं है, but I am big and strong. लेकिन मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूँ. शायद मेरी टहनियां इतनी मोटी नहीं है, पर मैं बड़ा और बहुत ही मजबूत हूँ. और मैं तुम्हें उन जो नॉर्थ विंड है, नॉर्थ विंड मीन्स जो ठंडी हवा नॉर्थ से आएगी, उनसे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ. आई कैन हेल्प यू, यू कैन ईट माई डिलीशियस हेल्दी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग. पहले तो पाइन ने कहा कि तुम जो है मेरे, मैं इतना मेरे पत्ते, मैं जो टहनी इतनी मोटी तो नहीं है, लेकिन मेरे पत्ते जो है वो मैं काफी बड़ा हूँ और स्ट्रांग हूँ, और मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचा सकता हूँ. ऐसा पाइन ने कहा. अब जूनिपर ने उसको फिर जूनिपर ने भी ज्वाइन किया, कहा आई कैन हेल्प और मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. यू कैन ईट माई डिलीशियस हेल्दी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग. डिलीशियस मतलब टेस्टी. कह रहे कि तुम मेरे जो उसकी जो फ्रूट्स है वो है बेरीज. तो कह रहे तुम पूरी सर्दी मेरे बेरीज आराम से खा सकते, पूरी सर्दी मेरे डिलीशियस टेस्टी और हेल्दी, जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, पूरी वो बेरीज है वो तुम पूरी सर्दी आराम से खा सकते हो. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. अब बर्ड ने कहा थैंक यू डियर फ्रेंड्स. द अदर ट्रीज लुक ऑन एंड टॉक अमंगस्ट देमसेल्स. और जो बाकी जिन्होंने ट्रीज ने चिल्ड्रन उनकी हेल्प करने से मना किया था, अब वो ट्रीज आपस में बात करने लग गए. आई विल नेवर हैव एनीथिंग टू डू विथ
स्ट्रेंजर. वो कह रहा है, एक ने कहा था ना कि मैं अजनबियों से बात नहीं करता, कह रहा है मुझे कभी भी अजनबियों से कोई लेना देना मेरा नहीं है. आई वुडंट गिव माई अकाउंट्स अवे टू एनी वन. और वो ओपरी कह रहा है कि मैं अपने जो फूड सबसे क्या है फूड अकाउंट, मैं अपने अकाउंट्स कभी किसी को नहीं दूंगा. थर्ड कह रहा है आई वुड नॉट हैव एनी स्ट्रेंज वर्ड्स ऑन माई बो. इसको बो कहेंगे हम, एंड बो मीन डाल, शाखा, टहनी. डाल, शाखा या टहनी. तो अब देखो तीनों अपना अपना एक्सक्यूज दे रहे चिल्ड्रन. एक कह रहा है कि आई नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, मुझे अजनबी से कोई लेना देना नहीं है. दूसरा कह रहा है कि मैं जो है अपने फूड अकाउंट जो है किसी को खाने नहीं दे सकता. एंड थर्ड इज सेइंग कि मैं अपने टहनियों पर किसी अजनबी पक्षी को रहने नहीं दे सकता. नाउ नॉर्थ विंड वॉन्टेड टू टच द ट्रीज इन द फॉरेस्ट विद हिज कोल्ड हैंड बट फ्रॉस्ट किंग हेल्ड अदर प्लांट. अब वो जो नॉर्थ किंग है, वो ठंडी हवा है, वो जो है उस फॉरेस्ट में आके सब पेड़ों को अपना हाथ लगाना चाहता था, छूना चाहता था. क्यों? उसके छूते ही वहां पर बर्फ जम जाती. बट उसका जो राजा था वो कौन है? फ्रॉस्ट किंग. फ्रॉस्ट मीन्स ठंडा, ठंड का जो राजा है. लेकिन उसे कुछ अदर ही प्लानिंग है, उसे कुछ अलग प्लान आइडिया चल रहा है. क्या है वो? इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क माई सन. कह रहे मेरे बेटे तुम्हें अब तुम्हारा जाने का काम आ गया और अपना काम करने का टाइम आ गया है, जाओ अपना काम करो. मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट. वो कह रहे कि ठंडी हवा, नॉर्थ विंड कह रहे कि क्या मैं फॉरेस्ट के हर पेड़ के हर पत्ते को छू सकता हूँ? अब हर पत्ते को छूने का मतलब है कि पूरे पेड़ों पर बर्फ जम जाना. नो द ट्रीज डेट हैव बीन काइंड टू द लिटल बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स. कह रहे नहीं, जो वो पेड़ है जिन्होंने छोटे से पक्षी की बर्ड की हेल्प की थी, जिसका पंख टूट गया है, वो अपने पत्ते रख सकते हैं. तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, उन्हें टच नहीं करोगे, यानी कि उन पर बर्फ नहीं जमेगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो छोटे से बर्ड की हेल्प की थी जिसका पंख टूटा हुआ है. अब नाउ व्हाई ही सेड टू देम? बिकॉज दे हैव हेल्प समवन. उन्होंने एक जो नीडी पर्सन था, जो नीडी बर्ड था, जिसको जरूरत थी, उसकी हेल्प की थी. सो आई सेड यू एज दैट इफ यू विल हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प अस. दिस इज अ सेइंग एंड दिस इज ट्रू चिल्ड्रन. ये बिल्कुल सच है दैट इफ यू विल हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प अस. सो द ट्रीज हेल्प दैट लिटिल बर्ड. सो नाउ द गॉड इज हेल्पिंग देम. इन द मॉर्निंग द बर्ड्स द ओक एंड द विलो फाउंड देयर शाइनिंग ग्रीन लीव्स lying on the ground, for north wind have come to at night and touched them with his icy hands. अब क्या हुआ? जब वो पेड़ सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा? जो थ्री ट्रीज थे जिन्होंने उस बर्ड की हेल्प नहीं की थी, वो थ्री ट्रीज कौन से थे? बर्च, ओक एंड विलो. उन्होंने देखा कि उनकी जो शाइनी सुंदर चमचमाते हुए हरे भरे पत्ते थे, वो सब जमीन पे बिखरे हुए थे. Why? Because जो नॉर्थ विंड थे उसने अपने बिल्कुल ठंडे बर्फीले हाथों से उनके पत्तों को छू लिया था और ठंड के कारण वो बेचारे मर गए थे, मुरझाकर नीचे गिर गए थे, मर गए. द स्प्रूस द पाइन एंड द जूनिपर लेफ्ट ग्रीन ड्यू टू देयर काइंडनेस टूवर्ड्स द हेल्पलेस लिटल बर्ड्स. अब वो जो तीन पेड़ थे कौन से? पाइन, जूनिपर एंड स्प्रूस. अब वो जो थे वो बिल्कुल हरे भरे थे. Why? Because उन्होंने एक हेल्पलेस, एक मददगार की हेल्प की थी. अब उन्होंने दया दिखाई थी उस बर्ड की हेल्प करने में, जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता था. अपनी दया के कारण उनकी जो पत्ते थे हरे भरे रह गए, नॉर्थ विंड ने उनको टच नहीं किया. So what did you learn from this children? कि we should always help others. We should always help others. Now see children, exercise. The birds were flying south for, वो south किससे जा रहे थे? क्योंकि winters आ रही थी. So answer is
winter. Answer is winter. The little bird could not fly because he वो क्यों नहीं उड़ सकता था? Because he had broken his wing. उसने अपना उसका पंख जो है टूट गया था. तो थर्ड ऑप्शन, he has broken its wing. The little bird thought that the oak tree might be. उसने क्या सोचा? Oak tree क्या है birch tree से? Definitely stronger, मजबूत है उससे ज्यादा. The oak tree did not let the bird stay because he oak tree ने क्या excuse बनाया था? Oak tree उसको क्यों नहीं रहने दे रहा था? क्योंकि he did not want to share his acorns. वो अपने जो fruits थे acorns थे वो अपने share नहीं करना चाहता था. Last one, Frost King punished the. Frost King ने किसको punishment दी? Children, trees in the forest, जितने भी पेड़ थे forest में उन सबको. Spruce, pine and juniper, उनको no. Children, birch, oak and willow. Birch, oak and willow, इन तीन को punishment मिली थी. Why? Because they refused to help. उन्होंने help करने से मना कर दिया. Now we will revise our rhyme. Be a friend. Okay children, now I will tell you rhyme. Be a friend. अभी आपने पढ़ा. Now we read the story that we should help others. And this हम इस rhyme को इस लेसन से रिलेट कर सकते हैं. हाउ कैन, इसमें तो बी अ फ्रेंड है. इफ यू विल हेल्प अदर्स दे विल बिकम फ्रेंड्स. यस और नो चिल्ड्रन? अगर हमारा हेल्पिंग नेचर है, इफ वी हैव अ हेल्पिंग नेचर, देन वी कैन मेक फ्रेंड्स इजीली. यस और नो? हम बहुत आसानी से फ्रेंड्स बना सकते हैं. बट इफ यू विल रिफ्यूज अदर्स टू हेल्प, इफ यू विल रिफ्यूज टू हेल्प अदर्स, देन नोबडी विल बी आवर फ्रेंड. कोई हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा. वाई? बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग अदर्स. सो इस राइम से ये बी अ फ्रेंड, द मीनिंग और द मॉरल ऑफ दिस राइम इज ऑल्सो टू मेक फ्रेंड्स. एंड इन दिस प्रीवियस लेसन वी रेड दैट हाउ वी शुड हेल्प अदर्स. सो इफ यू विल हेल्प अदर्स वी कैन मेक फ्रेंड्स इजिली. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी, जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी. पहले मैं आपको पूरी राइम पढ़ देती हूँ सो डेट यू विल बी एबल टू स्पीक द राइम इट सेल्फ. चिल्ड्रन, अपनी अपनी जब मैं दिस वीडियो इज गोइंग ऑन, ओपन योर बुक्स एंड रिपीट आफ्टर मी. आप सब अपनी बुक्स खोलो एंड रिपीट आफ्टर मी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी, जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी. जस्ट द विश टू हेल्प एन अदर, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर. Just a kindly hand extended out to ones who's unbefriended. Just the will to give or lend, this will make you someone's friend. Be a friend, you don't need glory, friendship is a simple story. Pass by trifling errors blindly, gaze on honest effort kindly. Cheer the youth who's bravely trying, pity him who sadly sighing. Just a little labor spent on the duties of a friend. Be a friend, the pay is bigger, that is earned by people clever. In what's merely self endeavor, you will have friends instead of neighbors. For the profits of your labors, you will be richer in the end than a prince if you are a friend. Now see children, now I will tell you meaning. Be a friend, you don't need money. आपको फ्रेंड बनाने के लिए या फ्रेंड बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. Just a disposition sunny. Now disposition means स्वभाव, जो हमारा नेचर होता है, ठीक है. एंड सनी मीन्स हंसू. आपको सिर्फ अपना एक हंसमुख स्वभाव चाहिए. हमेशा हंसते रहो,
दूसरों से बातें करते रहो, हंसमुख हो तो आप डेफिनेटली सबसे बात करना चाहोगे। तो फ्रेंड बनने और बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, एक हंसमुख स्वभाव की जरूरत पड़ती है। जस्ट द विश टू हेल्प एन अदर गेट अलोंग सम वे और अदर, एक मन में दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप कोई ना कोई तरीका दूसरों की हेल्प करने के लिए निकाल ही लोगे। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना। एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना, कहते हैं आपको काइंडली दया का हाथ बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि किसी की हेल्प करने की जरूरत है। आउट टू वन हूज अनरिफ्रेंडेड, अनरिफ्रेंडेड मतलब जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो, जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो उसकी तरफ अपना एक दया का हाथ बढ़ाने की जरूरत है, एक मदद का, एक हेल्प का हाथ बढ़ाने की जरूरत है एक फ्रेंड बनाने के लिए। अब जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, आप उसकी हेल्प करोगे, उसके फ्रेंड बनना चाहोगे, तो इट्स सो इजी। जस्ट द विल टू गिव और लैंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड। गिव और लैंड, गिव मतलब देना, लैंड मतलब उधार लेना। तो कह रहे हैं कि बस एक मन में इच्छा होनी चाहिए लेने और देने की, कि मैं दे भी सकूं और हेल्प के लिए किसी से कुछ ले भी सकूं, और इसी से हम किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं और हम भी किसी के फ्रेंड बन सकते हैं। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी, फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी। आपको बहुत ज्यादा शान और शौकत की जरूरत नहीं है फ्रेंड बनने के लिए, फ्रेंड बनाने और बनने के लिए बहुत ज्यादा शान और शौकत की जरूरत नहीं है आपको। फ्रेंडशिप बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, नाउ ट्रिफलिंग मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, एंड एरर्स मतलब गलतियां। पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, मतलब जो अगर आपस में ही चिल्ड्रन छोटी मोटी कोई ऐसी हमसे गलती हो भी जाती है जो शायद इतनी बड़ी ना हो, तो हमें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। इन्होंने कहा एरर्स ब्लाइंडली, मतलब हमें उन गलतियों को नजर चाहिए। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली, बजाय इसके हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी ने बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से कोशिश की है, उस कोशिश पे हमें ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चीयर द यूथ हूज ब्रेवली ट्राइंग, पिटी हिम हूज सैडली साइगिंग, साइगिंग मतलब तरसना, साइग होता है साइगिंग तरसना। ये कह रहा है कि चीयर द यूथ हूज ब्रेवली ट्राइंग, पिटी हिम हूज सैडली, हमें जो कोई कोशिश कर रहा है ये सब चीज की, हेल्प करने की, ऐसा नेचर रखने की, हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए, और जो बेचारा उदास है, जो इस प्यार के लिए तरस रहा है, उस पर हमें दया करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जस्ट अ लिटल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड, लेबर मतलब मेहनत करना, प्रयास करना, कोशिश करना। मेहनत करना, जस्ट अ लिटल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ फ्रेंड। एक फ्रेंड की क्या ड्यूटी होती है, कि वो अपनी पूरी कोशिश करे अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। तो कह रहा है कि अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए जो फ्रेंडशिप की ड्यूटी होती है
उसके लिए हमें बस जरा सी कोशिश करनी पड़ती है, जरा सी हमें मेहनत करनी पड़ती है और हम एक अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं और बना सकते हैं। बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर। फ्रेंड बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें, पैसों में नहीं, इसमें लिखे पैसों में नहीं। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो हो सकता है आपको उस समय कोई लॉस हो रहा हो, आप शरीर से दुखी हो, आप फैमिली की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी इस तरह की कोई बात हो तो आपको कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हो तो आप हर कोशिश कर रहे हो तो आपको उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो पैसों में नहीं देखी जाती। चिल्ड्रन डेट इज अर्न बाय पीपल क्लेवर। और ये सब जो पैसा है वो कौन कमाता है? चालाक लोग। ये कहते हैं पैसा जो है वो चालाक लोग कमाते हैं, लेकिन जो सीधे और सच्चे लोग होते हैं वो फ्रेंडशिप कमाते हैं। इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडीवर। मेयरली मतलब केवल मात्र। मात्र और हम एंडीवर का मतलब करेंगे चिल्ड्रन प्रयत्न करना। सेल्फ लेंडिंग मतलब खुद कोशिश करना। यू विल हैव फ्रेंड इंस्टेड ऑफ नेबर। कहते अगर हम मात्र खुद थोड़ी सी कोशिश करेंगे, केवल खुद थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना तो हमें फ्रेंड्स मिलेंगे, पड़ोसी नहीं। पड़ोसी हो सकता है आपका अच्छा हो बुरा हो, आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन बट फ्रेंड जो है दैट विल ऑलवेज हेल्प यस और नो और मदद में फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर। और जब हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें पड़ोसी नहीं हमें फ्रेंड्स मिलेंगे। यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड। हम एक राजकुमार से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। राजकुमार पैसों में अमीर होता है और हम दोस्ती में अमीर हो जाएंगे। हमें इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले ये हम एक राजकुमार से भी सॉरी राजा नहीं राजकुमार से भी हम बड़े हो जाए ये पैसे में, पैसे में नहीं फ्रेंडशिप। ओके चिल्ड्रन सो आज हमने पूरे रिविजन किए लेसन वन एंड राइट बी अ फ्रेंड। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन सो दैट्स फॉर टुडे, बाय, थैंक यू। डू रीड द लेसन केयरफुली। ओके चिल्ड्रन बाय फॉर टुडे, थैंक यू।